हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं और आप सभी इस चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह देखते रहिए, अगर अभी तक कोई सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही S7 की स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जल्द ही S7 के लिए तैयारी हम शुरू करेंगे, क्योंकि 5 अक्टूबर से है एग्ज़ाम आपके। उसके लिए क्वेश्चन पेपर्स किस तरह आएगा, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न क्या रहेगा, कौन से इंपॉर्टेंट आंसर्स आएंगे, आपके लिए सारे सब्जेक्ट के वीडियोस में अपलोड करूंगा। और कोई भी सब्जेक्ट का नहीं, ई 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, सारे क्लासेस के लिए मैं S7 के लिए अपलोड करूँगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सिलेबस कितना रहेगा। सिलेबस के लिए मैं डिफरेंस वीडियो आपके लिए बनाकर अपलोड करूँगा, लेकिन बस आप इतना याद रखिए कि आपके रीडर में इंडेक्स खोलिए, आपके बुक खोलते ही इंडेक्स रहेगा। इंडेक्स में सितंबर तक जितने लेसन्स है उतने लेसन्स आपको पढ़ना है। दो लेसन हो सकते हैं, दो लेसन तो नहीं होंगे। फिजिक्स बायोलॉजी मैथमेटिक्स में 8 चैप्टर्स है, उसी तरह फिजिक्स बायोलॉजी में भी ज़्यादा है, सोशल में भी ज़्यादा चैप्टर्स है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 70% सिलेबस पूरा आपको S7 के लिए पढ़ना है। तेलुगु में 4 लेसन्स है, नॉन डिटेल में से 2 लेसन्स है, माने 6 लेसन्स आपको रहेंगे। इस तरह अलग अलग सिलेबस है, आपको इंडेक्स में देखेंगे तो पता चल जाएगा कि सितंबर तक पढ़ना है। एग्जाम्स तो अक्टूबर में है, लेकिन आपको पढ़ना है सितंबर तक, क्योंकि सितंबर में पेपर बनाया जाता है, अक्टूबर का सिलेबस नहीं दिया जाएगा। तो जितना आप पढ़ना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए पढ़ने की, प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए अभी से अपने S7 के लिए तैयारी। 70% सिलेबस हर चैप्टर का रहेगा, उसके बाद जो 30% रहेगा लास्ट में रहेगा, आप सभी जानते हैं अक्टूबर में एग्जाम्स होंगे, तो अक्टूबर में सेकेंड टर्म हॉलीडेज, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 2-3 महीने आपको शायद मिलेंगे। उसके बाद रिवीजन का ही टाइम आपको देना पड़ेगा सारा टाइम। स्पेशली 10th क्लास के स्टूडेंट्स फोकस करिए अपनी स्टडीज पे। ऑलरेडी आपने FA1 लिख दिए हैं, अभी FA2 भी आएंगे, ये दोनों का जो रिविजन होता है बन पाता है, उसको S7 के लिए आप प्रिपन बनाइए। तो बट ये स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि सितंबर तक आपको पढ़ना है। जितने भी चैप्टर्स है, 4 है, 5 है, 8 है, 10 है, जितने भी चैप्टर्स है पढ़ लीजिए, मेहनत कीजिए, रिवीजन ज़रूर कीजिए, मॉक टेस्ट लिखीजिए, लास्ट ईयर के पेपर्स अगर कुछ है तो आप देख लीजिए उसके अंदर। बस इतना याद रखिए कि कॉन्सेप्ट वाइज आपको पढ़ना है, रटना नहीं है। 4 आंसर्स याद कर लिए, 8 आंसर्स याद कर लिए, 10 आंसर्स याद कर लिए, खुश हो गए कि हम सारा एग्ज़ाम लिखेंगे, ये आपकी गलत फहमी है। आपको इसलिए स्टार्टिंग से कहता हूँ मैं, की पॉइंट्स पढ़ना है, लेसन को समझना है, लेसन के समझ के उसके अंदर से क्वेश्चंस किस तरह आपको पूछे जाएंगे वो आपको चेक करना है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए मैं आप सभी को तैयार भी कराऊंगा और मटेरियल भी मैं पहुँचाऊँगा।